पूर्व में कोलारस विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने न्यायालय परिसर में सीसी छत हेतु राशि प्रदान की थी। इसके निर्माण के लिए हाल ही विधायक ने अभिभाषक संघ पदाधिकारियों की उपस्थिति में शिलान्यास भी कर दिया था। शिलान्यास के बाद जब कोर्ट परिसर में लोहे की टीन शेड उतार दी गई तो वरिष्ठ न्यायालय से सीसी छत निर्माण की कोई अनुमति नहीं मिल सकी, जिसके चलते सभी वकील कुछ दिनों से वकील खुले आसमान के नीचे बैठने को मजबूर हैं। कोई भी निर्माण की स्वीकृति अभी नहीं मिलने से वकील नाराज हैं और अब वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। बैठे थे वो 25 साल पुराना जीडीसी हालत में था। हमने वो भी विधायक निधि से बनवाया था पहले, और अब भी उसी विधायक निधि से हम उस पर छत बनवा रहे थे आरसीजी की। उसको हटा के हम डीजे साहब से भी मिले थे, और हमारा एप्लीकेशन मिला था ना डीजे साहब ने, उनको हमको ना रोकने का आश्वासन दिया और ना खा। तो हमने ऐसा मानते हुए कि जबकि न्यायालय परिसर से बाहर है, वो कोई हमारे बैठने का स्थान है, अभिभाषक संघ क्लाइंट लोग सभी लोग बैठते हैं वहाँ, हमने उनके अटवा दिया। ठेकेदार काम करने के लिए आ गए, उसके बाद में वो आ गया कि नहीं करवा सकते कोई नवीन निर्माण, और वो तो हम नवीन निर्माण करा कहाँ रहे ना, नवीन निर्माण हो रहा, बस मात्र छत डलवा रहे थे तीन सेट को हटा के, ना तो कोई वो था कोई पर्स हटवाया ना वो कुछ नहीं किया, पर अनावश्यक हमको हमारी आशियाना छीन लिया है। अब ऐसी गर्मी में हम मजबूर हैं बैठने के लिए, इसलिए हम खार से गिरत हैं और तब तक रहेंगे जब तक हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। सर में हम वकीलों को बैठने के लिए टीन सेट निर्माण हम लोगों ने विधायक निधि से पूर्व में करवाया था, वो टीन सेट इस समय जीर्णशीर्ण अवस्था में हो चुकी थी, जर्जर हो चुकी थी, इसलिए उस टीन सेट को निकलवा करके हमने अभी विधायक निधि से फंड स्वीकृत कराया था और उस पर छत निर्माण कराना चाहते थे। टीन सेट जर्जर अवस्था में होने की वजह से हटाई गई है और उसी के स्थान पर हमारे द्वारा छत डलवाई जाना है जो प्रस्तावित है, लेकिन अभी हमारा काम उस समय में रोक दिया गया है। बाकी लोग इस धूप में गर्मी में बैठने के लिए मजबूर हैं, अपना कार्य करने में असमर्थ हैं, इसलिए हम लोग न्यायालयीन कार्य से विरत हो रहे हैं। हमारी मांग है कि इस संबंध में हमको शीघ्र आश्वासन मिले और हमारी कार्रवाई पूर्ण हो, हम काम पर आने के लिए तैयार हैं।